आगे प्रश्नावली 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 6 द्विघात बहुपद दे रखे हैं। पहले हमें प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। अब देखिए, दो ऐसी संख्याएं हमें चूज करनी हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें, जिनकी गुणा करें, तो -8 गुणा 1, एक्स स्क्वेयर का गुणांक 1 है यहाँ पर, तो -8 गुणा 1 -8 है। और जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो -2 है, यानी गुणा जो है वो -8 आनी चाहिए और सम है वो जोड़ है वो -2 आनी चाहिए। ऐसी हमें दो संख्याएं चूज करनी है, तो ऐसी दो संख्याएं -4 और 2 होती है। -4 और 2 की गुणा करेंगे -8 आएगा, -4 में 2 प्लस करेंगे तो -2 आएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं -4 और 2। तो -2x को लिखेंगे -4x प्लस में 2x, बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर -2x को लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। अब पहले दो पदों में से x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -4। अगले दो पदों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -4। फिर x -4 कॉमन लेते हैं, बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2। तो ये दो गुणनखंड बन गए हैं इसके। तो हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वेयर -2x -8 का मान शून्य होगा यदि या तो ये शून्य हो या फिर ये गुणनखंड शून्य हो। एक्स स्क्वेयर -2x -8 एक्स स्क्वेयर -2x -8 का मान शून्य है यदि x -4 = 0 हो या x +2 = 0, अर्थात x = 4 या x -2 है। इसलिए दिए गए बहुपद के शून्यक यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं 4 और -2। शून्य है इसके 4 और -2। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हमें पता है कि शून्यकों का योग जो है -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, इनकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे शून्यकों का योग, 4 प्लस में -2, 4 प्लस -2 ये आएगा 2। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, और 2 को हम लिख सकते हैं -(-). 2 बार माइनस लगा देंगे तो प्लस का ही 2 बनेगा। अब ये वाला माइनस एज इट इज लगा देता हूँ, और -2 क्या है, एक्स का गुणांक है। और 1 क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अतः शून्यकों का योग जो है वो -x का गुणांक अर्थात b और x स्क्वेयर का गुणांक अर्थात a के बराबर है।
अब शून्य को का गुणनफल, चार गुणा माइनस दो माइनस आठ के बराबर होगा। माइनस आठ को आप कह सकते हैं माइनस आठ बटे एक। माइनस आठ हमारा एचर पद है और एक एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, तो ये हो जाएगा एचर पद बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। सेकंड पार्ट हल करते हैं, चार एस स्क्वेयर माइनस चार एस प्लस एक। यहाँ हम दो ऐसी संख्याएं चूज करेंगे कि गुणा करें तो चार एकम चार आए और ऐड करें तो माइनस चार आए, तो माइनस दो और माइनस दो ऐसी दो संख्याएं हो जाती हैं। तो इसके गुणनखंड बनाएंगे, चार एक्स स्क्वेयर माइनस चार एस को लिखेंगे माइनस दो एस प्लस एक। पहले दो पदों में से दो एस कॉमन लेंगे, दो एस माइनस एक, और यहाँ से हम माइनस एक कॉमन लेंगे तो दो एस माइनस एक। दो एस माइनस एक कॉमन लेंगे तो दो एस यहाँ से बच जाएगा और एक यहाँ से बच जाएगा। अब ये गुणनखंड हो गए, पिछले पार्ट की तरह से लिखेंगे कि फोर एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस एक का मान शून्य है यदि दो एस माइनस एक बराबर ज़ीरो, या दूसरा गुणनखंड दो एस माइनस एक बराबर ज़ीरो, अर्थात एस बराबर एक बटे दो या एस बराबर एक बटे दो। तो चार एस स्क्वेयर माइनस चार एस प्लस एक के दो शून्य होंगे और दोनों ही सेम होंगे, यानी वन बाई टू और वन बाई टू। अब इसके संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है, तो शून्य का योग वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाता है। वन को हम लिख सकते हैं फोर बाई फोर, फोर को लिख सकते हैं माइनस फोर के एक बार और माइनस लगा दीजिए बाई फोर, ये वाला माइनस, और माइनस फोर क्या हमारा एस का गुणांक है। और फोर क्या है एस स्क्वेयर का गुणांक। इसी प्रकार शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल होगा एक बटे दो गुणा एक बटे दो, एक बटे चार। एक क्या है एचर पद है और चार क्या है एस स्क्वेयर का गुणांक। एचर पद बटे एस स्क्वेयर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो जाती है। अब आगे पार्ट थर्ड हल करते हैं, छ एक्स स्क्वेयर माइनस तीन माइनस सात एक्स। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, छ एक्स स्क्वेयर माइनस सात एक्स माइनस तीन। अब देखिए हमें दो अंक ऐसे चूज करने हैं जिनकी गुणा छः और माइनस तीन की गुणा यानी माइनस अट्ठारह के बराबर हो और उसका सम जो है वो माइनस सात के बराबर हो। तो माइनस नौ और प्लस का दो, माइनस नौ और प्लस
दो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास हैं, तो गुणनखंड ऐसे बनाएंगे 6x² माइनस 7x को लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। पहले दो पदों में से 3x कॉमन आएगा, 3 × 6 यानी 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x-3। फिर 2x-3 कॉमन आ जाएगा और 3x+1 बचेगा। अब हम लिखेंगे कि ये जैसे इसके गुणनखंड हो जाते हैं, अब लिखेंगे 6x² माइनस 7x-3 का मान 0 है यदि 2x-3 बराबर 0 है या 3x+1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 3/2 या x बराबर -1/3 है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस बहुपद के शून्य के आगे 3/2 और -1/3, इसलिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य 3/2 और -1/3। अब शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग, 3/2 प्लस में -1/3, एलसीएम आएगा 6, 9 - 2 7/6। 7 को हम लिख सकते हैं -(-7/6), तो ये वाला माइनस और -7 को मैं लिखूँगा एक्स का गुणांक। और 6 है x² का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल 3/2 गुणा में -1/3 ये होगा -3/6। अब -3 क्या है, अचर पद है, -3 एक अचर पद है और 6 x² का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अब फोर्थ पार्ट का हल करते हैं। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें गुणनखंड बनाने होंगे, 4u² प्लस में 8u। गुणनखंड के लिए हम 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर यह बचे u प्लस 2। अब हम लिखेंगे कि 4u² प्लस में 8u का मान 0 है यदि 4u बराबर 0 हो या u प्लस 2 बराबर 0, अर्थात u बराबर 0 या u बराबर -2 है। अब यहाँ से 0 और -2 हमें दिए गए बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए 4u² प्लस में 8u के
शून्य एक बराबर जीरो और माइनस दो। अब शून्य प्राप्त होने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच से संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य को का योग बराबर जीरो प्लस में माइनस दो अर्थात माइनस दो। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आठ बटे चार, चार दूनी आठ, क्योंकि माइनस दो ही आएगा। अब माइनस आठ क्या है, यू का गुणांक है, और चार क्या है, यू स्क्वेयर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल जीरो गुणा माइनस दो, जीरो गुणा समथिंग जीरो ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो बाई फोर। जीरो क्या है, अब देखिए एचर पद इसमें है ही नहीं, तो एचर पद को हम जीरो मान सकते हैं। एचर पद बटे चार क्या है, यू स्क्वेयर का गुणांक। अब आइए फिफ्थ पार्ट को हल करते हैं। टी स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन, इसके गुणनखंड बनाने के लिए हम 15 को लिखते हैं रूट 15 का स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर का फार्मूला हम लगा देंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। तब गुणनखंड होने के बाद फिर लिखेंगे हम कि टी स्क्वेयर माइनस 15 का मान शून्य है यदि टी प्लस रूट 15 बराबर ज़ीरो हो या टी माइनस रूट 15 बराबर ज़ीरो, अर्थात टी बराबर माइनस रूट 15 या टी बराबर रूट 15 है। तो यहाँ से हमें दिए गए बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए टी स्क्वेयर माइनस 15 के शून्य होंगे माइनस रूट 15 और रूट 15। अब शून्य प्राप्त होने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग होगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 यानी ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो बाई वन। ज़ीरो क्या है, देखिए इसमें टी वाला पद नहीं है तो टी का गुणांक हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो इसके साथ आप चाहो तो माइनस साइन भी लगा सकते हो ज़ीरो के साथ, क्योंकि ज़ीरो में माइनस या प्लस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस टी का गुणांक बटे एक क्या है, टी स्क्वेयर का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल माइनस रूट 15 गुणा रूट 15 माइनस 15 के बराबर होगा। इसको हम माइनस 15 बाई वन, माइनस 15 है एचर पद
और एक है टी स्क्वेयर का गुणांक। इस प्रकार शून्य को और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। अब लास्ट सिक्स्थ पार्ट को हम हल करते हैं। तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस चार। अब देखिए दो संख्याएं ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिनकी गुणा करें तो तीन चौके बारह यानी माइनस बारह के बराबर आए और उसका टोटल करें तो माइनस एक के बराबर आए। तो माइनस चार और प्लस तीन टोटल करोगे तो ऐड करोगे तो माइनस वन और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बारह आएंगे। तो तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को हम लिखेंगे माइनस चार एक्स प्लस तीन एक्स माइनस चार। अब पहले दो पदों में से एक्स कॉमन लेंगे, ये आएगा तीन एक्स माइनस चार। अगले दो पदों में से एक कॉमन लेंगे, तीन एक्स माइनस चार फिर आएगा, तीन एक्स माइनस चार फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वन बचेगा। अब हम लिखेंगे कि तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस चार का मान शून्य है यदि या तो ये फैक्टर ज़ीरो हो या फिर ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो। तीन एक्स माइनस चार बराबर ज़ीरो या एक्स प्लस एक बराबर ज़ीरो, अर्थात तीन एक्स बराबर चार या एक्स बराबर चार बटे तीन हो या एक्स बराबर माइनस एक हो। इसलिए तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस चार के शून्य चार बटे तीन और माइनस एक। अब शून्य प्राप्त होने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योग चार बटे तीन प्लस में माइनस एक, तीन एलसीएम आ गया, चार माइनस तीन एक बटे तीन। एक को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस वन बाई थ्री, माइनस ये वाला और माइनस एक हो गया एक्स का गुणांक। तीन एक्स स्क्वेयर का गुणांक अब शून्यकों का गुणनफल। चार बटे तीन गुणा माइनस एक माइनस चार बटे तीन। माइनस चार क्या है, एचर पद है और तीन क्या है एक्स स्क्वेयर का गुणांक। एचर पद बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। आगे प्रश्न नंबर दो। इस प्रश्न में छह भाग हैं। प्रत्येक भाग में शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। इन्हीं शून्यकों के योग और गुणनफल का प्रयोग करते हुए हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो स्टेटमेंट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इनमें सबसे पहला पार्ट है वन बाई फोर और माइनस वन। वन बाई फोर शून्यकों का योग है और माइनस वन शून्यकों का गुणनफल है। अब इसका हल करते हैं। माना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो एक द्विघात बहुपद है तथा
अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब हमने अल्फा और बीटा इसके शून्यक मानने हैं, तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो -1 दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं। अब देखिए, यदि हम a की वैल्यू 4 मानें, यदि a बराबर 4 हो, तो पहले समीकरण से हमें प्राप्त होगा -b/1 अर्थात b/-1। तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा कि b/-1, और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि a की जगह 4 रखें, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c/-4। अब a, b और c की वैल्यू हम ने जो द्विघात पद हमने लेट किया है मानना है उसमें रख देते हैं, तो शून्यकों के योग और गुणनफल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक वो पद हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए रखते हैं, एक इधर 4 रखें, 4x² प्लस में बी की जगह -1 रखें इंटू एक्स प्लस सी की जगह -4 अर्थात 4x² - x - 4। दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। अब सेकंड पार्ट में शून्यकों का योग वर्गमूल 2 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो फर्स्ट पार्ट की तरह से हम एक बहुपद, द्विघात बहुपद मान लेते हैं। माना माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। जब अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान लिए हमने, तो शून्यकों का योग α+β = √2 तथा अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/3 दिया हुआ है। शून्यकों का योग हमें पता है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। यदि हम यहाँ से देखिए कि हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं, यदि a = 3 माने, यदि a = 3 हो, तो फर्स्ट समीकरण में a की जगह 3 रखें, तो 3 √2 की तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -b = 3 √2 अर्थात b = -3 √2 हो जाएगा। और दूसरे समीकरण से आपको क्या प्राप्त होगा कि 3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, c = 1 आ जाएगा। अब a, b और c की वैल्यू जो हमने द्विघात समीकरण मानना है उसमें रख देते हैं। तो अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद क्या होगा, a की जगह रखेंगे 3x²
बी की जगह रखेंगे -3 वर्ग मूल 2 इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह 1, तो 3x² -3 वर्ग मूल 2x प्लस 1, ये आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट में देखिए, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 दिया हुआ है। तो माना ax² प्लस bx प्लस c ये एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 0। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर वर्गमूल 5। अब ये हमें पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। अब यदि हम a बराबर 1 माने, यदि a बराबर 1 हो तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लें। तो समीकरण 1 से b बराबर क्या आ जाएगा? -b बराबर 0, तो b बराबर भी 0 आ जाएगा। और समीकरण 2 से क्या आएगा? a बराबर 1 रखे, 1 इधर √5 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर √5। अब a b और c की वैल्यू जो हमने द्विघात बहुपद मानना है उसके अंदर रख देते हैं। इसलिए दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद क्या होगा? ए बी और सी की वैल्यू यहाँ रखने से प्राप्त हो जाएगा हमें, ए की जगह 1 रखेंगे, 1 × x² यानी x² प्लस बी की जगह 0 रखेंगे, 0x प्लस सी की जगह वर्गमूल 5, अर्थात x² प्लस वर्गमूल 5 जो है दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक द्विघात बहुपद होगा। अब फोर्थ पार्ट, में शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो वहीं से शुरू करते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिया? 1 के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। ये हमें पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब देखिए, यदि हम a की वैल्यू 1 माने, यदि a बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से हमें क्या पता लगता है? 1 × 1 b की वैल्यू -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 हो जाएगा। और समीकरण 2 से
यदि a की वैल्यू एक लेते हैं तो एक एकम एक, c की वैल्यू भी एक हो जाएगी। अब a, b और c की वैल्यू मानने के तभी घात बहुपद में रखने पर हमें दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद एक की जगह एक रखेंगे, एक एक्स स्क्वायर, बी की जगह भी माइनस एक रखेंगे, सी की जगह एक, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। अब फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग माइनस एक बटे चार और शून्यकों का गुणनफल एक बटे चार। तो हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, इसलिए शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक बटे चार और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, एक बटे चार के बराबर दिया है। अब हमें पता है कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। यदि हम ए बराबर चार माने तो ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। समीकरण एक से हमें प्राप्त होगा कि ए बराबर चार लेने से चार कैंसिल, माइनस बी बराबर माइनस एक तो बी बराबर एक आ जाएगा। और समीकरण दो से एक हम चार ले लें, चार से चार कैंसिल, सी बराबर भी एक आएगा। अब ए बी और सी की वैल्यू मानने हुए द्विघात बहुपद में रखने पर हमें दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा, एक की जगह चार रखेंगे तो चार एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक रखेंगे तो एक एक्स अर्थात एक्स प्लस सी की जगह भी एक रखेंगे एक, तो चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद होगा। अब सिक्स्थ लास्ट पार्ट है, शून्यकों का योग दिया हुआ है चार और शून्यकों का गुणनफल है एक। हल करने के लिए हम एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो जो कंडीशन दी हुई है उसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है चार तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है एक। यह हमें पता है कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक, यदि
ए बराबर एक मान लें, ए बराबर एक मान लें, तो माइनस बी बराबर चार आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। माइनस बी बराबर चार है तो बी बराबर माइनस चार आ जाएगा। सी बराबर एक हो जाएगा। अब ए बी और सी की वैल्यू हम मान्य गए द्विघात बहुपद में रख देते हैं, इससे दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी की वैल्यू रखने से प्राप्त हो जाएगा। तो ए की जगह वन रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस चार रखेंगे तो ये आएगा माइनस चार और आगे एक्स, प्लस सी की जगह एक रखें तो ये आंसर आ जाएगा।